काफी वीडियो ढूंढने के बाद अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, ठीक है। अभी आप देखो इस तरीके का बैकग्राउंड मैंने लगा रखा है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड में कन्वर्ट करना है। जैसे आपने किसी बड़े क्रिएटर का वीडियो तो देखा ही होगा, वो लोग अपना जो बैकग्राउंड ऐड करते हैं पूरा का पूरा डार्क ब्लैक दिखता है, ठीक है। हम लोग जब अपना बैकग्राउंड ऐड करते हैं तो कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप नॉर्मली लगाते हो। मैंने भी ऐड करा है, मैंने 300 से 400 रुपये का ये पर्दा परचेस किया है, और आप भी यही करते हो सेम प्रोसेस, और उसके बाद में अच्छे से लगाते हो, कोई भी यहाँ पे लाइनिंग वगैरह नहीं दिखती है। अभी आप देखोगे तो एकदम प्लेन सा पर्दा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये अभी प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, अभी आप देख सकते हो एकदम भद्दा भद्दा सा दिख रहा है, पीछे हल्का सा शेडो भी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा बड़े यूट्यूबर आप जितने देखते हो उनके पीछे जो बैकग्राउंड लगा रहता है वो पूरा का पूरा ब्लैक लगा रहता है, और बहुत ही अच्छा वीडियो देखने में लगता है। वो इस साइड और इस साइड में लाइटिंग का यूज करते हैं ताकि फेस पे अच्छे से लाइट आए, और उनका जो सेटअप है ना वो एकदम प्रोफेशनल लेवल का दिखता है। तो क्यों दोस्तों, हम भी कुछ इस तरीके से सस्ते सेटअप को हम प्रोफेशनल सेटअप में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका वीडियो कोई भी नहीं पहचान पाएगा मेरे भाई, मैं आपसे वादा करता हूं, आपका वीडियो कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने एक पर्दे के पीछे वीडियो शूट किया हुआ है, और आपका पर्दा कैसा है, और आप किस तरीके से वीडियो बनाते हैं। बस आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे और अपनी वीडियो में मसाला ऐड करेंगे, उसके बाद में फिर देखना आपका वीडियो जो है ना वो कितना कमाल का दिखता है। तो चलिए आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि आप अपने बैकग्राउंड को एकदम फुल ब्लैक कैसे करेंगे, प्रोफेशनली तरीके से कैसे एडिट करेंगे अपने बैकग्राउंड को कान मास्टर की मदद से, ठीक है। तो कान मास्टर ऐप तो आपके मोबाइल में होगा ही, चलिए उसको ओपन करते हैं। और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के अंदर कान मास्टर ऐप को ओपन करना है। देन आपको यहाँ पे आना है सबसे पहले, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू पे, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना वीडियो इनपुट करना है, जिस भी वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे रेशियो आ जाएंगे, तो आपको अपना यूट्यूब का साइज सेलेक्ट करना है, या फिर आप टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर आप रील्स डालते हैं, कोई मोटिवेशन रील्स बनाते हैं, तो आप अपना अपने हिसाब से रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे YouTube के लिए चाहिए, मैंने ये सेलेक्ट किया, इसके बाद में क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रोटेट होके आ जाएगा आपके सामने मीडिया ब्राउजर। अब यहाँ मीडिया ब्राउजर में आपको वो वीडियो सेलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड आप ब्लैक करना चाहते हो, फुल ब्लैक करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको अपने कैमरे के अंदर आना है, और कैमरे के अंदर आने के बाद में आपको अपना वीडियो सेलेक्ट करना है। तो मैं कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान के चलिए मैंने एग्जांपल के लिए इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है, और अभी आप देखेंगे तो ये वीडियो कुछ ऐसा है, ठीक है। आप जब कोई वीडियो शूट करते हैं तो वो नॉर्मली इसी तरीके से शूट होता है एकदम, और नॉर्मली वीडियो है, अभी आप देखोगे तो एकदम भद्दा भद्दा सा दिखाई दे रहा है, और ज़्यादा कुछ खास भी नहीं। अगर आप इस तरीके से यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे तो चांस ज़्यादा वायरल होने के नहीं रहते हैं, और कोई भी आपकी वीडियो को उतना देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी में आप थोड़ा सा एडिटिंग कर देंगे, ठीक है, उसके बाद में आप वीडियो को डालेंगे तो आपके वीडियो पे अच्छे लाइक्स मिलेंगे, लोग आपकी वीडियोस को देखना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वीडियो को क्रॉप करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इसको इस तरीके से थोड़ा जूम इन कर लेना है। जूम इन करने के बाद यहाँ से बैक आना है, और यहाँ पर आपको एक लेयर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक इफ़ेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको कलर चेंजर का, ठीक है। ये अगर आपके पास ऑप्शन एक भी नहीं आ रहा है तो आपको ये बॉक्स मिलता है, इस पर जा कर के आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर कलर चेंजर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस वाले फ़िल्टर को आपको सेलेक्ट करना है, ये इस तरीके से आपको टिक करना है, और यहाँ से इसको स्क्रीन के बराबर में करना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको स्क्रीन के बराबर में कर देना है। उसके बाद में आपको इसको नीचे आप देखेंगे तो इसको आपको वीडियो का जो लेयर है उसके बराबर में आपको इसे फुल कर देना है, ठीक है, इस तरीके से फुल करना है। उसके बाद में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ आपको रेड कलर सेलेक्ट मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ब्लैक कर देना है, ठीक है। ब्लैक करने के बाद आपको कलर ऑफसेट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको यहाँ से 25 से हटा करके आपको
185 के अकॉर्डिंग कर देना है या फिर 190 कर सकते हो, इतना आपको यहाँ पे कर देना है सबसे पहले। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लाइटनेस का जो ऑप्शन है इसको आपको माइनस करना है, ठीक है। इस तरीके से देखो, मैंने जैसे ही किया तो इस तरीके से ये माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको माइनस करना है। और अभी आप चेहरे पे आप देख सकते हो जो फेस है ना उस पर रेड टून लग चुकी है। तो इस रेड टून को कम करने के लिए आपको क्या करना है, सेचुरेशन को 3 माइनस करना है। इस तरीके से आपको 3 माइनस कर देना है और इस वाले ऑप्शन को आपको 2 या फिर 3 इस तरीके से इंक्रीज़ कर देना। 5 तक आप कर सकते हो, 5 तक करेंगे तो आपका जो है ना वो वीडियो अच्छा लगेगा। और ऊपर आप यहाँ पे अपने हिसाब से ऑफसेट को एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपका जो है ना ये इस तरीके से कहीं पर भी ब्लैक ब्लैक सा हल्का सा भद्दा सा ना दिखाई पड़े और आपका वीडियो जो है ना एकदम प्रोफेशनल लेवल का दिखे, ठीक है। 90 तक आप कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस तरीके से आपको इसे एडिट करना है, ठीक है। एडिट करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, इस लेयर के बराबर में इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे और पहले आपने देखा, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। देखो अभी इस तरीके का बैकग्राउंड रहेगा और ये प्रोसेस करने के बाद में आपका बैकग्राउंड ऐसा हो जाएगा। तो अभी आप दोनों में डिफरेंस मुझे बता सकते हो कि आपने जो अभी वीडियो एडिट किया है, मान के चलिए आप ऐसा वीडियो एडिट करेंगे, और अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि आप जब भी वीडियो शूट करेंगे उसके बाद में आप इस तरीके से एडिट करके जब यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आपका वीडियो कैसा लगेगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और अगर आप इस तरीके का नॉर्मली वीडियो अपलोड करेंगे तो आपका वीडियो कैसा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने वीडियो का बैकग्राउंड प्रोफेशनल बना सकते हो और अपनी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हो। होप आपको दोस्तों ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।